ये देखिए रफल बनाने का बहुत ही आसान तरीका जो हमारी बच्चियाँ सीख रही हैं। पहले इस तरह की पट्टी को मुड़ाई कर लें दोनों तरफ से, फिर हाथ की मदद से इस तरह से फैब्रिक को पीछे की तरफ धकेलते जाएं और ये रफल यानी फ्रिल्स तैयार हो जाती है। बहुत ही प्यारी फ्रिल तैयार होती है। मैंने आपको वीडियो में इस रफल को एक दूसरे के साथ जोड़ने का तरीका भी दिखाया हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप इस तरह की रफल जब तैयार कर लेती हैं फ्रॉक को एक दूसरे के ऊपर लगाने के लिए, इसी सिलाई के ऊपर आपने सिलाई लगानी होती है। आप दूसरी वीडियो में ज़रूर देखिएगा। ऐसी रफल बनाकर हम जब स्टेप बाय स्टेप फ्रॉक्स तैयार करते हैं तो कितना प्यारा ये फ्रॉक तैयार होता है। तो इस तरह की रफल आप ज़रूर बनाएं। वैसे तो आप मशीन का थ्रेड बड़ा कर जो स्टिच होता है वो बड़ा कर लें और इस तरह से फैब्रिक को बैक साइड पर धकेलती जाएं।